और सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग मामले की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे एनसीबी के अधिकारी और ईडी के अधिकारियों के बीच अहम बातचीत चल रही है। यानी कि ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें सीबीआई के अधिकारी भी शामिल हैं। यानी कि ये ज्वाइंट मीटिंग है इन तीनों जांच एजेंसियों की। माना जा रहा है कि जल्द ही रिया और ड्रग मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की भी पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त प्रीति सोमपुरा जुड़ रही हैं और शिवानी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पहले शिवानी के पास चल रहा हूं। शिवानी, ईडी ने आज ग्रिल किया है, पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से और बैंक भी लेकर गई है। क्या कुछ डिटेल्स इस पूछताछ के बारे में मिली है और बैंक क्यों ले जाया गया इंद्रजीत चक्रवर्ती को? बुलाया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ उनसे डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है जिसको लेने के लिए ही वो एक्सिस बैंक आ पहुंचे हैं। हालांकि ईडी की जो टीम है, जो एनसीबी की टीम है, उन्हें काफी कुछ पूरे चक्रवर्ती परिवार से पता लगाना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा ये है ईडी द्वारा कि रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत जो है, डॉक्यूमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, उन्हें सबके सामने रखा जाए। इसको लेकर फिलहाल एक्सिस बैंक को आ पहुंचे हैं जहाँ उनका अकाउंट है, जिसकी डिटेल वो शाम से ही निकाल रहे हैं और फिलहाल इंद्रजीत जो है एक्सिस बैंक में ही मौजूद हैं और कुछ ही लम्हों में वो जल्द ही बाहर भी आ सकते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसको लेकर उन्हें कल ईडी के दफ्तर जाना होगा और उसे सबमिट करना होगा। शिवानी, संभवतः वही दस्तावेज होंगे जो प्रॉपर्टीज को लेकर, जिसको सवाल पहले ईडी ने किए थे, रिया चक्रवर्ती से भी इसी को लेकर सवाल किए थे, जो रायगढ़ में प्रॉपर्टी है, खार में प्रॉपर्टी है और कुछ कंपनीज वगैरह के पेपर्स वगैरह हैं। मुझे लगता है संभवतः ये वही डॉक्यूमेंट्स होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिलहाल जो बात की जाए तो कंपनी में जो इनकी बात की जा रही है, फिलहाल ऐसी डिटेल निकाली जा रही है कि जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी फिलहाल मौजूद हैं इंद्रजीत के साथ इसी बैंक के अंदर, जहां पर तीन ऑफिसर जो हैं फिलहाल मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह से उन सारे अकाउंट को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, सारे दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं क्या वो सच हैं और उनके कितने लीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं कंपनीज और इन तीन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, साथ ही साथ जो रिया ने घर खरीदे थे जिसके लोन का वो दावा कर रही हैं, क्या कुछ लोन और ट्रांजैक्शन कंपनी को लेकर ऑफिशियली, पर्सनली और प्रोफेशनली हुए हैं, उन सारी डिटेल्स को खंगालने के लिए ईडी के तीन ऑफिसर फिलहाल एक्सिस बैंक में इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि ईडी ने, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने, आज रिया के पिता को दस्तावेज के साथ पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती ने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद ईडी की टीम सीधे उस बैंक में पहुंच गई है जहां इंद्रजीत चक्रवर्ती का खाता और लॉकर है, जहां पर शिवानी हमको अभी अपडेट दे रही थी। इससे पहले उनके घर पर क्या हुआ वो देखिए आप जरा। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा था और यही वो वक्त था जब रिया ने सांता क्रूज पुलिस थाने में कॉल किया और कहा कि हमको सुरक्षा की जरूरत है, हमको मीडिया से सुरक्षा की जरूरत है। ये देखिए, और इसी के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे थे इंद्रजीत चक्रवर्ती, जहां पर पुलिस ने पूछताछ की है, ईडी ने पूछताछ की है और अब डॉक्यूमेंट्स के साथ आने के लिए कहा गया, यानी कि कल फिर से ईडी पूछताछ करेगी इंद्रजीत चक्रवर्ती से। मैं इस वक्त चलूंगा सीधा प्रीति सोमपुरा के पास। प्रीति, अब ये जांच और ज्यादा शार्पन हो गई है, बल्कि ये ट्रायंगुलर जांच हो गई है, क्योंकि अब तीनों एजेंसियां कोऑर्डिनेशन से काम करने की तैयारी कर रही हैं। अभी एक बैठक भी चल रही है सीबीआई, ईडी और एनसीबी के बीच में। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तीनों एजेंसी अब इस केस में शामिल होगी, सीबीआई जो है उसकी आत्महत्या को जुड़े हुए जो है क्या सच है, क्यों उसने आत्महत्या की उसका सच जानेगी, वहीं दूसरी ओर ईडी जो है वो पैसों की हेरा फेरी जो हुई है अकाउंट्स में उसकी जांच करेगी, साथ में यही देखेगी क्या इसमें हवाला ट्रांजैक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं, और तीसरी एजेंसी भी अब इस पूरे मामले में आ गई है, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जो है जांच शुरू कर दी। आज उनकी तीन सदस्यों की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची है और उन्होंने जो है ईडी दफ्तर जाके जो है इस केस की छानबीन ली है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इसकी भी छानबीन करेगा कि इस रैकेट में रिया के अलावा कौन कौन थे जिन्होंने ड्रग्स की मांग की थी, जैसे कि सुशी मिरांडा का नाम था, उनसे भी पूछताछ होगी, श्रुति मोदी से भी पूछताछ होगी और साथ में ही जो है रिया चक्रवर्ती और भी जो लोग जिनको जानती थी जैसे गौरव आर्या उससे भी पूछताछ होगी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या क्या कल एनसीबी पूछताछ कर सकता है ईडी से, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि शायद समन किया गया रिया को पूछताछ के लिए। आपकी नॉलेज में इस तरह की कोई जानकारी, अपडेट कीजिए प्लीज। जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को समन्स इश्यू कर दिया है पूछताछ के लिए। उसकी पूछताछ या तो कल होगी या फिर परसों में होगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है ईडी के द्वारा भी जो है कल इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके लिए उनको बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई सौविक चक्रवर्ती से कल भी लगातार पूछताछ जारी रखेगी। प्रीति, चूंकि जो आपने व्हाट्सएप चैट, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट जो शेयर किए थे, उन चैट्स में ये साफ तौर पर एक लिंक जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती और जो ड्रग पैडलर हैं उनके बीच बातचीत हो रही है, ड्रग्स के लेन देन को लेकर भी बातचीत हो रही है। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये इस वक्त तय माना जा रहा है कि ड्रग्स मामले में रिया को लेकर किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जैसा कि अभी प्रीति सोमप्रा ने हमको अपडेट किया, वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है और बेहद मुमकिन है कि इस पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए। इस बीच सुशांत के पिता ने पहली बार खुलकर कहा है कि रिया ने मेरे बेटे को मारा है, जहर देकर मारा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। और प्रीति सोमपुरा लगातार मेरे साथ बनी हुई है, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं, प्रीति के पास। प्रीति, मैं सब सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त जो जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह के चैट सामने हैं, जिस तरह का एक लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या खतरा है रिया चक्रवर्ती को कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती का जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आया है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि उसको गिरफ्तारी उसकी हो सकती है और दो से दस साल की सजा जो है इसमें है वो भी उसको हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट आया है और साफ तौर पर जो है रिया का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। हालांकि रिया का ये कहना है कि वो उससे कभी ड्रग्स लिया नहीं है और चाहे तो कोई भी उसका ब्लड टेस्ट करा सकता है। कहीं ना कहीं जो है रिया को जब लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तब वो जो है अब सुशांत के ऊपर डाल रही है कि सुशांत ड्रग्स लेता था। बिल्कुल डिफेंसिव मोड में एक तरीके से आ गई कि हाँ मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, वकील भी उनके ये कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करा लो, मेरी जो मुवक्किल है उन्होंने कभी भी ड्रग्स वगैरह नहीं लिया, ये सब एनसीबी का काम है, वो करेगी, समन जारी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, प्रीति सोमपुरा।